कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने कहा है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, माजी में हर साल अच्छा रहा था मगर इस बार ऐसा ना हो सका। पेशावर जख्मी के हाथों मैच में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद का कहना था कि अफसोस है कि तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस ना दे सका, टीम ने काफी क्लोज मैचेस खेले। पर्सनली ऑफ कोर्स बिल्कुल एग्री करता हूं कि उस तरीके से परफॉर्मेंसेस दे गए। आई थिंक पीएसएल वो टूर्नामेंट था जहां मैं एवरी ईयर परफॉर्मेंसेस दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। उम्मीद हुई थी कि जो पिछले 6 साल से मुल्तान के लिए किया था वो जरा आगे कराची में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंसेस देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक टाइम आता है, स्ट्रगल किया काफी इन द मिडिल, बैटिंग पे काफी अफसोस है उससे पर्सनली। जहां तक टीम की बात की, देखें ये इतना कम्पेटिटिव टूर्नामेंट हुआ है 5 टीमों के दरमियान, कराची में हमने 2 मैचेस देखे क्वेटा के खिलाफ और आज का मैच, ये 2 मैचेस हम अच्छा फिनिश करते हैं, छोटी छोटी चीजें अच्छी करते, तो 6 विन्स होती हैं और 4 लॉसेज होती हैं जहाँ 4 विन्स हैं और 6 लॉसेज हैं। ऑब्वियसली टीम में दर्ज का भी आया बीच में, जो टीम में से 2 मैचेस जीते गए थे, 13 लोग हमारे कैंप में बीमार हुए और हम उस वक्त अनफॉर्चुनेटली स्केड्यूल ऐसा था कि उसी वक्त हम 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में, जो आप 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में 11 में आपको चेंजेस करने पड़े फोर्सफुली, तो वो एक चीज थी जहां हम 3 मैचेस हार गए, तो उनको देखते हुए 2 क्लोज मैचेस को देखते हुए इस टूर्नामेंट की एज ए टीम कहानी काफी काफी डिफरेंट हो सकती थी। तो जहां तक टीम की परफॉर्मेंस है उससे मैं काफी मुतमईन हूँ, क्योंकि देखें कुछ कल का भी हमने 2 मैचेस देखे, उनमें से एक भी चीज हमारे फेवर में जाती वो स्टोरी डिफरेंट होती, और कभी कभार आपको रिलाई करना होता है दूसरी टीमों के रिजल्ट्स में। मैं समझता हूँ कि जब से हम लाहौर से जीते लाहौर में, अगर आप सारे वो रिजल्ट्स देख लें इन टर्म्स ऑफ द टूर्नामेंट जो हम चाह रहे थे कि हमारे फेवर में जाए, थी उसमें सिर्फ इस्लामाबाद और कैलेंडर्स का ही मैच था जो कैलेंडर्स जीती थी और वो एक चीज थी जो हमारे फेवर में गई थी। तो जब इतना हाईली कम्पेटिटिव टूर्नामेंट होता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको काफी कॉस्ट करती हैं, लेकिन जहाँ तक टीम का एफर्ट है, जहाँ तक टीम की रीबिल्डिंग थी, उसके साथ रिजल्ट्स लेना, आई थिंक काफी टीम वाइज काफी मुतमईन हूँ। हम देखें जहाँ तक आज का मैच की बात थी, काफी ट्रिकी पिच था सबके सामने, था बॉल ग्रिप भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, स्पिनर्स को काफी स्पिन भी मिल रहा था, छोटी छोटी हमने मिस्टेक्स की हैं, जैसे आखिरी ओवर में थर्ड लास्ट ओवर में ओवर थ्रो पे एक चौका लगा, लास्ट ओवर में एक मिसफील्ड हुई जो 1 रन होना चाहिए था वो पीछे चौका चले गया, तो छोटे छोटे मार्जिन्स होते हैं। और अगर आप देखें पावर प्ले पे जब हम बॉलिंग कर रहे थे, जब उनके आई थिंक 52 रन से 52 में से 12 एक्स्ट्रास थे, 12 एक्स्ट्रास आई थिंक पहले 6 ओवर में काफी ज्यादा होते हैं, जर्मी की बॉलिंग काफी डिसिप्लिन थी, आपको उनको क्रेडिट देना होगा, और जहाँ तक हमारी गलतियाँ थी वहाँ काफी छोटी छोटी। पोस्टमार्टम ऑब्वियसली मैंने पहले सवाल में कर लिया है, आई थिंक लंबा टूर्नामेंट हुआ, एज ए टीम काफी करीब थे हम, 2 क्लोज मैचेस थे जिसको मैं शॉर्ट टर्म से बोलूंगा, 2 क्लोज मैचेस थे क्वेटा के खिलाफ इधर और आज जर्मी के खिलाफ, अगर हमने फिनिश किए होते तो आज हमारी 6 विन्स होती और 12 पॉइंट्स होते, तो इतने मार्जिन्स होते हैं, क्वालिटी टीम्स की बहुत हाई होती है। और तीसरा आपका जहाँ तक आपने यंगों की बात की है, देखें सबसे अच्छी बात है कि इस बार नॉर्मली भी ऐसा होता था कि आप आई थिंक इस बार आप कह सकते हैं कि बैटिंग का भी स्टैंडर्ड इमर्जिंग प्लेयर्स में भी और बॉलिंग का भी स्टैंडर्ड साथ में फील्डिंग का स्टैंडर्ड काफी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, और ऑब्वियसली पीएसएल वो टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान को देखें जब आप टीम बनाते हैं उसमें रिटेंशंस होती हैं, रिटेंशंस के बाद ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद आपके पास एडिशनल पिक्स होती हैं, कुछ रिप्लेसमेंट्स होती हैं, काफी चेंजेस हुए थे कराची टीम्स में ओवर द लास्ट 2 इयर्स, आप देखें स्पेशली इसके काफी जो लोकल क्वालिटी जो प्लेयर्स की वो चेंज हुई है, काफी यंग होता है, हमारे 4 इमर्जिंग प्लेयर्स हमारे स्क्वाड में थे, रफात मिन्हास इस साल स्क्वाड में आया नया, तो हमने काफी हमने चेंजेस किए, आमिर खान इस साल आया, तो हमारे पास भी 6-7 ऐसे प्लेयर थे जो पहले पीएसएल कभी उस तरीके से नहीं खेले, तो आई थिंक उस वक्त उनको राइट अवे मैदान में डालना वो भी इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट भी नहीं थी
उसी कैप्टनसी में थी, तो हमारी कोशिश ये थी कि किस तरीके से हम इन प्लेयर्स को भी आगे देख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं और इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग कैसे हुई, ग्रूमिंग कब अच्छी होगी कि जब आप टॉप के एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेले, तो शोएब मलिक हो गए, इमरान खान हो गए, कैरन पोलार्ड हो गए, जेम्स विंस को आप देख लें, काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर है। इन लोगों का हसन अली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, अनवर अली का बहुत बड़ा रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ मेंटर और मेंटर और मेंटर, तो हमेशा पे बैलेंस देखते हैं यूथ और एक्सपीरियंस में। और कुछ चीजें होती हैं जो आप कहते हैं ऑफ द फील्ड कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली फील्ड में नहीं नजर आती, वो ये होती हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से अपने यंगस्टर्स के साथ देते हैं। कोशिश ये थी कि हम आपस में एक मिक्सचर बनाए एक्सपीरियंस वीडियो का, और ऑब्वियसली वो जो ड्राफ्ट हुआ जो रिटेंशन हुई था हम उस चीज को काफी देखिए। आई थिंक सेकेंडली जो आपने बातें की हैं, ऑब्वियसली स्क्रीन पे कुछ चीजें नजर आती हैं बट वो ऑन द स्पॉट चीजें होती हैं, नीजर रिएक्शन होता है, उसमें लोग जजमेंट काफी पास करते हैं कि गुस्सा आ गया, फलाना चीज हो गई। एक तो हर प्लेयर पैशनेट है, इसमें कप्तानी की बात नहीं है। आई थिंक मैं जिस भी टीम के लिए खेलूंगा मैं क्या कहते हैं पूरा अपना एफर्ट दूंगा, पूरी जान दूंगा। कुछ मोमेंट्स होते हैं, इंसान है, इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ब्लैक और वाइट नहीं होता कि ये ठंडा है ये गर्म है। आई थिंक हर इंसान में एक ग्रे एरिया है, कुछ कुछ उसकी क्वालिटीज होती हैं जो ज़्यादा कामनेस की तरफ पॉइंट करती हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज होती हैं जो मिक्सचर होता है, एक बैलेंस होता है। और आई थिंक वहाँ जहाँ हारिस वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें मैं फोर्थ अंपायर के पास गया था क्लेरिफिकेशन के लिए, और फोर्थ अंपायर हमारे एंड से दूसरे एंड तक भाग गए थे, तो लोग समझ रहे थे कि मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, मैं कोई चीज प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, मैंने जो हाथ का इशारा भी किया था वो फोर्थ अंपायर को किया था कि वो उस तरफ दौड़ पड़े थे, तो मैं उनके पीछे दौड़ तो नहीं पड़ सकता था, बहुत बुरा लगता था।